जो मंदिर में बजती घंटियां। जब कभी मैं अपने आसपास नजर दौड़ाता हूँ तो मुझे देखकर बड़ा अचरज होता है। ये दौड़ते भागते लोग, ये सरपट दौड़ती हुई गाड़ियाँ, बस, रेत और ऊंचे आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज, मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं कहाँ से कहाँ तक आ पहुँचा। खुशी भी होती है और ये जो छोटी सी मुनिया है ना, जब याद करता हूँ तो ये मेरी गलियों में पगडंडियों पर सरपट दौड़ा करती थी, यूं ही नंगे पांव, कभी पार्क में तो कभी रेलवे लाइन के उस तरफ, तो कभी किसी कुल्फी वाले के पीछे, तो कभी बर्फ के गोले वाले के पीछे। तब मुझे बड़ा आश्चर्य होता था और अब मैं देखता हूँ तो ये मुनिया माँ बाबूजी के साथ किसी तांगे में बैठकर जब इंदौर की सैर को निकलती हूँ तो घोड़ों की टांगों के साथ अपना सुर में सुर मिलाती है और उसके चेहरे पर यूँ प्रसन्नता फैल जाती है। उसे प्रसन्न देख मेरा मन भी बाग बाग हो उठता है। मुनिया और उसके जैसे कई और बच्चे मेरे सामने युवा हुए और जब मुनिया के बाद जाने कितनी पीढ़ियाँ मेरे सामने जन्म लेकर युवा हुई और फिर वृद्ध हो गई और मैं वैसा का वैसा ही रहा, जस्ट का तस। नहीं, मुझ में भी बहुत बदलाव आए, बहुत विकास, उन्नति, प्रगति। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ इंदौर, आपका अपना इंदौर। मेरे जन्म की कथा शुरू करता हूँ। मेरा जन्म माना जाता है 17वीं शताब्दी से। कहा जाता है कि 1715 में स्थानीय जमींदारों ने मुझे एक व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित किया, किंतु ये भी कहा जाता है कि राजा इंद्र सिंह जब उज्जैन पर हमला करने के लिए निकले तो उन्हें ये कान्ह नदी का किनारा बहुत भाग गया। उन्होंने अपना शिविर यहीं लगा दिया और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता ने उनका मन मोह लिया। तब उन्होंने वहीं शिवलिंग रख एक मंदिर के निर्माण की सोची और नाम रखा इंद्रेश्वर महादेव और मेरा नाम पड़ गया इंद्रपुर। उसके कुछ समय पश्चात पेशवा बाजीराव प्रथम ने जब इंदौर और उसके आसपास के इलाकों पर अपनी विजय गाथा लिखी, उनके साथ थे सेनापति मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर ने बाजीराव पेशवा के साथ युद्धों में कई विजय इतिहास लिखे। इससे प्रसन्न होकर बाजीराव पेशवा ने उन इंदौर का सूबेदार बना दिया। इसके बाद 1733 में उन्होंने, बाजीराव पेशवा प्रथम ने इंदौर रियासत को मान्यता दे दी और चूंकि मराठी साम्राज्य आ गया था तो इंद्रपुर का नाम बदलकर हो गया इंदौर और मल्हार राव होलकर इंदौर के पहले शासक बने। मल्हार राव होलकर के पश्चात, उनकी मृत्यु के पश्चात शासक आए माली राव होलकर, किंतु बहुत कम समय में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद राजपाट संभाला देवी अहिल्याबाई होलकर ने। अहिल्याबाई होलकर एक सुव्यवस्थित शासन करने वाली, राजनीतिक सूझबूझ रखने वाली, शिव भक्ति में प्रजा का हित सोचने वाले, दान पुण्य करने वाली, अनेक तीर्थ स्थान और भवनों का निर्माण करने वाली, ऐसी सशक्त शासिका इंदौर को मिली। देवी अहिल्याबाई होलकर ने
राजधानी को महेश्वर में स्थानांतरित कर दिया, किंतु उसके पश्चात भी इंदौर एक सैन्य और वाणिज्यिक केंद्र रहा। तो मैं देवी अहिल्याबाई होलकर के समय फलता फूलता रहा, आगे बढ़ता रहा। किंतु अहिल्याबाई की मृत्यु के पश्चात कई शासक आए और चले। 1818 में जब ब्रिटिश साम्राज्य का आगमन हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में इंदौर रियासत की हार हो गई। तब 1818 में अंग्रेजों के साथ समझौता किया गया और इस तरह उस वक्त इंदौर रियासत ब्रिटिश संरक्षण पा गया और तब इंदौर का नाम बदलकर इंदौर हो गया। तो ये था इतिहास मेरा इंद्रपुर से इंदौर।